हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर्स हो और अपने यूट्यूब के वीडियो का एक बेस्ट थंबनेल बनाना चाहते हो तो आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ यूट्यूब के वीडियो के लिए बेस्ट थंबनेल कैसे पिक्सआर्ट से हम बनाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ऑलवेज जी यूट्यूब चैनल। तो हम पहले इस पिक्सआर्ट को एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो इसे ओपन करते ही यहाँ पर पिक्सआर्ट का फर्स्ट यहाँ पर जो इंटरफेस रहता है वो उसकी प्रोसेस के बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही यहाँ पे आपको नीचे प्लस का बटन का आइकॉन आपको दिख रहा है। ओके, तो इसे प्लस आइकॉन का दबाते ही यहाँ पे कुछ एडिटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे एडिट बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। एडिट बटन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे गैलरी खुल जाएगा, लेकिन गैलरी में हमें नहीं जाना है। आपको यहाँ पर बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। आपको बैकग्राउंड यहाँ पर मिल जाएगा। बैकग्राउंड सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको कुछ कलर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको कोई एक कलर बेस्ट थंबनेल के लिए कलर्स आपको चुनना है। तो यहाँ पे बेस्ट कलर आपको थंबनेल के लिए एक बेस्ट कलर चुन लो। मैंने यहाँ पे एक कलर्स चुन लिया है। ओके, मैं यहाँ पे रेड कलर चुन रहा हूँ। वहाँ पे और नीचे आपको एडिट का बटन मिल जाएगा। एडिट बटन पर दबा दीजिए और यहाँ पे आपको क्रॉप करना है। तो थंबनेल के लिए जो बेस्ट साइज़ रहती है वो मैं अंदाजे सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। तो ओके, यहाँ पे आप साइज़ अप और आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे विथ और हाइट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो। ओके, या फिर आप ये सेव कर लीजिए। अगर आपको कंफर्म है तो आप ऊपर राइट मार्क दबा के आप सेव कर सकते हो। सेव करते ही आपका एक थंबनेल का ये साइज़ हो गया। थंबनेल का साइज़ हो जाने के बाद आप यहाँ पर एड इमेज, यहाँ पर एड आपको एक अगर इमेज डालें तो आप एड इमेज में जाओगे तो ये बेस्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक इमेज, मैंने जब एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला था प्ले स्टोर से, आपको जब जिस एप्लीकेशन का आप रिव्यू करते हो तो उसके लिए आपको एक फ़ोटो आपको वहाँ पे प्ले स्टोर में आपको मिल जाता है। मैं वहाँ से ये फ़ोटो को डाउनलोड कर लिया था। मैंने एक एनिमेटेड गिफ के लिए अभी एक वीडियो बनाया था लास्ट, तब मैंने ये इस एप्लीकेशन से ही ये फ़ोटो को मैंने डाउनलोड कर लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फ़ोटो को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। एक एनिमेटेड गिफ वाली मैंने जो वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, तो उसकी ये एक फ़ोटो है। तो इसे आप सेट कर लीजिए अपने फ़ोटो में आपके मुताबिक। तो आप यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हो फ़ोटो में जो अच्छी तरह से एक व्यूवर्स को दिखे। ओके, मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। जैसे आपकी इमेज यहाँ पे सेट हो जाए तो आप ऊपर राइट मार्क जो दिया हुआ है वहाँ पे आपको क्लिक करके इस इमेज को सेव कर देना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी प्रोसेस करो आपको ऊपर राइट मार्क पे आप जाके आपको सेव करना ही पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे सेव हो गया। तो यहाँ पे मैं मुझे अब टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप टेक्स्ट पे जा सकते हो। तो आपकी एप्लीकेशन किसके बारे में है? तो मेरी एप्लीकेशन एक एंड्रॉयड मोबाइल से हम कैसे व्हाट्सएप के लिए एक गिफ्ट इमेज तैयार कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रिएट एनिमेटेड गिफ्ट फॉर व्हाट्सअप। आप अपने मुताबिक लिख सकते हैं व्हाट्सअप फ्री में कैसे हम एक एनिमेटेड गिफ्ट बना सकते हैं व्हाट्सअप के लिए। तो आप अपने मुताबिक आप कुछ भी व्यूवर्स को एक्टिव करने के लिए आप यहाँ पे वर्ड्स लिख सकते हो। तो ओके, यहाँ पे मैंने एक वर्ड्स लिख लिया है क्रिएट एनिमेटेड गिफ्ट फॉर व्हाट्सअप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी साइज़ आप परफेक्ट कर लीजिए पहले। आपको नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको फंड की जो स्टाइल है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे स्टाइल दी गई, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं स्टाइल्स को भी। तो यहाँ पे ये स्टाइल जो है मेरी फेवरेट है, मैं ये इसी को चुनता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक फंट व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी तरह से दिख जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको फंट की स्टाइल आप चेंज कर देते हो तो यहाँ पर आपको नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर कलर्स का। तो एक कलर आप चुन सकते हैं। यहाँ पर एक बेस्ट कलर आपको चुनना है। बैकग्राउंड के कलर का विरुद्ध कलर लोगे तो आप आसानी से इसको फंड को आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे येलो कलर बेस्ट है, तो येलो कलर मैंने ले लिया। और यहाँ पे आप शेडो जो हमारे कॉर्नर जो रहता है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो थिंकनेस भी आप यहाँ से बड़ा घड़ा सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे क्लियर हो जाता है यहाँ पर शेडो की बारी आती है। आप शेडो का ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक 3D इफेक्ट अगर देना चाहते हो वर्ड्स को तो आप यहाँ से 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेडो में जाते ही यहाँ पे हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे शेडो भी
आसानी से हमें दिख रहा है। ओके, तो शेडो की यहाँ पे ओपासिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और आप ब्लूअर भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ब्लूअर भी आप सेट कर सकते हो, तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे इस तरह की सेटिंग कर सकते हो अगर 3D वर्ड्स आपको रखना है तो। ओके, आपकी सेटिंग हो गई है तो आप सिंपली इसे आप सेव कर सकते हो राइट मार्क पे जाके। ओके, अगर सेव हो चुका है तो हमें फिर से टेक्स्ट में जाना है क्योंकि हमें कॉल आउट करना है इस इमेज को टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पे मेरी सेटिंग में इसे यहाँ पे एरो आता है, तो आप किस फोन में जहाँ पे एरो मिल जाएगा आप वहाँ से एरो डाल सकते हो। ओके, तो इस एरो को मैं थोड़ा पतला और थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इमेज की तरफ एरो दिखा देता हूँ क्योंकि व्यूवर्स को ये सब देखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा एरो यहाँ पे सेट हो जाने के बाद यहाँ पे एरो को मैं एक बिग कलर दे दूँगा ताकि थंबनेल में वो एरो दिखे। तो आप अपने मुताबिक जो कलर्स आपको अच्छा लगे वो आप क्रिएट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा एरो भी यहाँ फाइनली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, तो ये स्पष्ट दिख भी रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये एक बहुत ही बढ़िया अब यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हो। जैसे ही आपका थंबनेल यहाँ पे क्रिएट हो जाए तो आपको ऊपर राइट बटन दिख रहा है, वहाँ जाके आपको यहाँ पे टिप करना है। ओके, तो आपको इस इमेज को सेव कर देना है, आपको राइट मार्क पे जाके इस इमेज को सेव कर लिया है मैंने और आपको ऊपर एरो दिख रहा है। अगर आपकी सेटिंग पूरी हो चुकी तो यहाँ पे एरो पे जाके आप इस इमेज को फाइनली सेव कर सकते हो। तो ओके, तो यहाँ पे मैं गैलरी में सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये इमेज, ये जो थंबनेल है, ये फाइनली मेरे गैलरी में सेव हो चुके हैं। तो अगर हम फिर से प्लस में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, तो हमें वो इमेज यहाँ पे दिख जाएगी जिसको हमने अभी बनाया है एक बेस्ट थंबनेल। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थंबनेल एक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, क्रिएट एनिमेटेड गिफ्ट फॉर व्हाट्सअप। तो आपको मैं फाइनली यहाँ पे गैलरी में जाके आपको दिखाई देता हूँ। ओके, तो मेरे मोबाइल की गैलरी में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी अभी जो यहाँ पे एक थंबनेल बनाया था क्रिएट एनिमेटेड गिफ्ट फॉर व्हाट्सअप, तो इससे पहले मैंने बनाया था ये वाला है, ये भी वाला अभी मैंने लगाया हुआ है मेरे वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड का यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने रेड ब्लैक बैकग्राउंड का यूज़ किया है। आप कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है कैसे एक थंबनेल यूट्यूब के वीडियो के लिए थंबनेल बनाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ रेड बटन को काला कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।